दोस्तों, जब से विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया है, तभी से चारों तरफ का माहौल गर्माया हुआ है। जहां लोगों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है, तो वहीं बॉलीवुड की हस्तियां भी इस फिल्म की तारीफ करते हुए थक नहीं रही। लेकिन दोस्तों, जहां इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के बीच पॉजिटिव बातें आई हैं, तो वहीं लोगों के मन में मुस्लिम लोगों को लेकर नेगेटिव थिंकिंग भी आ रही है। जी हां दोस्तों, लोगों ने फिल्म को देखने के बाद मुस्लिम लोगों को शक के नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे हर कही गई बात सच नहीं होती, ठीक वैसे ही हर दिखाई गई चीज सच नहीं होती। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आपने ये भी देखा होगा कि फिल्म में दिखाया गया है कि मुस्लिम लोगों ने ही हिंदुओं पर अत्याचार किया था। इतना ही नहीं, उन्हें कश्मीर से पलायन तक करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स में पूरी हकीकत नहीं दिखाई गई है। दरअसल जब ये दंगे करवाए गए थे या किए गए थे, तो वो कश्मीरी नहीं थे, बल्कि वो आतंकी संगठन अलकायदा समूह के लोग थे। फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ मुस्लिम लोग कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं। किसी भी मुसलमान ने हिंदुओं की मदद नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं था। हकीकत तो ये है कि उस टाइम कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाई थी, उन्हें अपने घरों में पनाह दी थी ताकि वो अलकायदा समूह के लोगों से बच सकें। इतना ही नहीं, इन दंगों में सिर्फ हिंदुओं ही नहीं बल्कि बहुत सारे मुसलमानों की जानें भी गई थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, जहां हर जाति के लोग पाए जाते हैं। इस देश में भाईचारे की मिसाल दी जाती है, इसलिए आप सभी से अपील है कि आप फिल्म देखें ना देखें, लेकिन अपने दोस्तों या आसपास के लोगों से दुश्मनी या नफरत ना करें। तो दोस्तों, आप कश्मीर फाइल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।